आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज एक इस यूट्यूब चैनल को और मैं शेख इमरान आप तमामी का इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैरियत आफियत के साथ होंगे। हिंगोली जिले में 5 मई 2020 को आज 14 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं। अब हिंगोली जिले में कोरोना पॉजिटिव की कुल तादाद 90 जा पहुंची है। हिंगोली जिले में कल 4 मई 2020 को जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 24 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए थे, जिसमें से 23 एसआरपीएफ के जवान थे और एक सिविल हॉस्पिटल की नर्स। तो इसी तरीके से 24 मामले थे, क्योंकि ये नर्स रिसाला बाजार इस इलाके में रहती है, तो अब पूरे तरीके से रिसाला बाजार इस इलाके को सील कर लिया गया है। जिस तरीके से आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिंगोली रिसाला बाजार इलाके की गलियां है, जिसे इस पेशेंट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस इलाके को पूरी तरीके से अब सील कर दिया गया है। यहाँ पर किसके आने जाने के ऊपर पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। अब हिंगोली में जो एसआरपीएफ के 90 मामले सामने आए हैं, इसमें से 83 तो एसआरपीएफ के जवान हैं, जिसमें से 82 हिंगोली एसआरपीएफ के जवान और एक जालना एसआरपीएफ के जवान हैं, जिसमें से भी 35 मालेगांव यहाँ पर बल तैनाती के लिए भेजे गए थे और 48 जवान मुंबई बल तैनाती के लिए भेजे गए थे। तो इसी तरीके से जो कुल आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है कोरोना पॉजिटिव का हिंगोली जिले में, वो 90 पर जा पहुंचा है और 90 में से एक पेशेंट जो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, वो अब पूरे तरीके से सेहतयाब होकर घर लौट चुका है, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इसके बाद अब हिंगोली जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव पेशेंट की तादाद 90 है, लेकिन कुल तादाद 90 है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की नए वीडियो नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।